कैसे हो दोस्तों? आप देख रहे हैं टीम सिंह टैग। मैं जो बोट में हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं अभी बांगड़ा फिश के लिए जा रहा हूँ। बहुत आदमी ने बोला है कि मुझे बांगड़ा फिश का वीडियो देखना है, तो मैं आज बांगड़ा फिश पकड़ कर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको मैकेलर कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और इंडिया में बांगड़ी बांगड़ा बहुत सारे नाम है इसके। तो ये देखिए ये तीन पड़ी हुई है। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो है हाथ में मेरे, ये बाहर के समंदर में यानी 100 मीटर के बाहर मिलती है, और ये भी है उसी तरह की दिखती है। अगर मिक्स कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा बांगड़ा है और कौन सा इंडियन स्काइड है। तो ये थोड़ी किनारे में मिलती है, तो ये तीन हो गए। तो अब इसमें चेंजेस क्या हैं, तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, और इसकी आँख में डिफरेंस है, और इसकी भी आँख में डिफरेंस है। तीनों अलग अलग होती हैं। तो इसका शेप आप देख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनको, आपको पता चलेगा कि इसके शेप में और इसकी शेप में थोड़ा फ़र्क है। ये देखिए, और नीचे इसके एक काटा होता है जो बांगड़ा फिश में नहीं होता है, मिलर में नहीं होता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी था कि ये दोनों सेम टू सेम होते हैं। ये देखिए काटा, और ये किनारे में पाई जाती है, ये तीनों हैं। तो मैं इसको कैसे पकड़ते हैं वो भी दिखाऊँगा। और जो इंडियन स्काइड है, तो मेरे पास यहाँ पर मून फिश पड़ी हुई है कुछ, तो मैं इसको निकाल कर फेंक देता हूँ। तो आपने मून फिश की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या कार्ड में दे दूँगा। तो इसको मैं आपको ऊपर निकाल के दिखाता हूँ। ये जिंदी मैंने रखी थी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरह की होती है कि सेम टू सेम होती है, कि पता भी नहीं चलता है कि बांगड़ा है या दूसरी फिश है। तो ये छोटी सी फिश है, इसको मुर्गन कहा जाता है, इसके अंग्रेज़ी नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन छोड़िए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। तब तक मैं आपको बता दूं कि इसमें विटामिन्स और फैट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और इसमें ओमेगा 3 बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो हमने जिसको जाल को बिछा लिया है, तो इसकी विटामिन्स और फैट्स के बारे में भी आप आगे बात करेंगे। तो ये देखिए हम लोग अब जाल खींचने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इस जाल को, ये जो नाव दिख रही है इसमें इसकी बोयां जो होते हैं आपको दिख रहे हैं लाल, वो पूरे भर लिए जाएंगे। तो हम लोग ने इसको नाव में, छोटी सी नाव में जिसको डिंगी कहा जाता है, उसमें भर लिया गया है। और इस तरह से एक आदमी इसको एक लकड़ी से धकेला हुआ रहता है, क्योंकि वो नज़दीक ना आ जाए बोट के और कहीं टूट ना जाए छोटी सी नाव। तो आप देख सकते हैं इसमें नज़ारा कितना खूबसूरत है, पूरी की पूरी बांगड़ा फिश यानी मैकेलर भरी पड़ी है। तो हमने पूरी की पूरे जाल को खींच लिया है। अब ये देखिए, ये पूरी काला जो जिस तरह से दिख रहा है वो पूरा की पूरी मछली है। और इसको जो वर्कर होते हैं जिसको फ्लाशी कहा जाता है, वो खींच खींच कर उसको एकदम से पूरी की पूरी मछली को जमा देते हैं। तो अब ये पूरी की पूरी मछली जम चुकी है, तो इसको ऊपर लेने के लिए एक झीला होता है, यानी झीला कहा जाता है जिसे एक रोड, राउंड वाले रोड से उसको बांधा जाता है एक जाल को, जैसे आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से डालकर उसको ऊपर खींचा जाता है मछली को, आप देख सकते हैं। देखिए विंच पर इसको काम किया जाता है, विंच पर सब कुछ, विंच पर काम होता है यानी मछली लेने का। तो इस तरह से ये देखिए इसको झीला कहा जाता है, इसमें मछली भरकर सीधा फिश कोल्ड में डाल दिया जाता है। ये देखिए ये इस तरह से फिश कोल्ड में डाल दिया जाता है। तो चलिए इसकी विटामिन्स और फैट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सी फ़िश देखनी है। तो चलिए विटामिन्स और फैट्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए इसमें विटामिन्स और फैट्स, इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप पॉज कर कर भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए फॉर्मेशन पूरी की पूरी आपके सामने है, विटामिन्स के और फैट्स मिनरल्स सभी की सभी जानकारी आपके सामने है। आप पॉज कर कर आप खुद रीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी फिश को किस तरह से इसमें भरा जाता है, और ये देखिए हमारी, ये देखिए
आपको मैं जो झीले में मछली को डाला जाता है, भरा जाता है, इस साइड से भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से झीले को पकड़ा जाता है और इस मछली के अंदर डाल दिया जाता है और ऊपर खींचा जाता है। तो इंडिया में इसको और दूसरी ज़बानों में इस फिश को क्या क्या कहा जाता है तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मलयालम में क्या कहा जाता है, तमिल में क्या कहा जाता है, उधर यानी अरबिक ज़बान में, सब कुछ ज़बान में आपको दिख गया होगा। तो ये देखिए हमारा फिश कोला भी फुल हो रहा है, हमारी बोट फुल हो रही है, यानी मछली से फुल हो गई है। तो आगे कौन सी वीडियो आपको देखनी है वो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दोगे आप, और शेयर कर दीजिए वीडियो को। हमारी इंडिया में भी इस तरह के फिश को इस तरह से पकड़ा जाता है और आप लोग तक पहुंचाया जाता है, जो मछली खाने के शौकीन होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। ये मछली इंडिया में बहुत ही फेमस है, फिश कड़ी के लिए और फ्राई के लिए इंडिया में इसको बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। आगे आपको आगे देखना है तो आप देख सकते हैं और फुल स्पीड में है। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया अगली वीडियो तक के लिए।